हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं बताने वाला हूँ आज आपको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। ये एक व्यक्ति मेरे पास में उसके माँ बाप ने लाया। उसके करीब करीब उम्र 25-26 साल की, बच्चा। और उसको इसलिए लाया है कि ये काफ़ी समाज विघातक काम करते रहता है, कुछ ना कुछ लोगों को तकलीफ देते रहता है, ये झूठ बोलते रहता है। मतलब झूठ बोल के लोगों को बताएगा कि मैं पत्रकार हूँ, फिर कोई समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। लोगों के पास में जाएगा, उनको कुछ धौंस देगा पत्रकार है करके, वहाँ से पैसा निकालेगा। मतलब ये यार समाज के प्रति, मतलब उसका कुछ ना कुछ चालू रहता है। वो समाज के जो नियम हैं उसका पालन नहीं करेगा खुद, वो नियम तोड़ेगा, जैसे ट्रैफिक के नियम तोड़ेगा, कहीं चांस मिल गया तो ये चोरी भी कर लेगा, झूठ बोलेगा बार बार, और ज़्यादातर लोगों को तकलीफ देगा। कि लोगों की कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालना, उनकी झूठी कंप्लेंट करना पुलिस के पास में या सरकारी दफ्तरों में, झूठी कंप्लेंट करना किसकी, ताकि वो लोग इसका अप्रोच हो जाए, वो उसको पैसा देंगे। ये जो व्यक्ति लाया था, उसने रिसेंटली उसको इसलिए लाया कि उसने रिसेंटली पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया कि ये 3 लोग मेरे घर में रात को आए। उन्होंने नाम डाला उनके, कि 3 लोग मेरे घर में रात को आए, उन्होंने मेरे को मारा पीटा, और उसने खुद को जख्म भी कर लिया था। पुलिस में कंप्लेन किया कि उन्होंने मेरे को मारा क्योंकि वो मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, मैंने उनको कुछ बोला था इसलिए मेरे को रात को उन्होंने आके मार दिया। अब पुलिस वो लोगों के पीछे जिनके बारे में कंप्लेंट हो गए उनके पीछे लग गई, ताकि फिर वो लोगों के पास में जाके उनसे अभी वो 3 लोगों से पैसा निकाल सके। या फिर उसने पुलिस में जाके एक व्यक्ति के खिलाफ, एक डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि डॉक्टर ने मुझे दवा दिया। उसने दवा बता दिया पुलिस में जाके कि ये डॉक्टर ने मुझे दवा दिया और मुझे ये दवा के वजह से मुझे तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई, मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई, मैं तो पहले एड्स का पेशेंट हूँ। उसके पास में, उसको एड्स है, HIV है, उसका सर्टिफिकेट भी है, झूठा, वो भी सर्टिफिकेट है और वो भी गवर्नमेंट का है कि भाई मेरे मुझे एड्स हुआ है और उसके लिए मैं डॉक्टर के पास में गया था, वो डॉक्टर ने मुझे दवा दिया। मतलब वो पुलिस की सहानुभूति चाहता है, समाज की सहानुभूति भी चाहता है, समाज के विरोध में काम करता है। ऐसे उसका काम ही वही है, रोज़ कुछ ना कुछ करना, घर में चोरी करेगा, चोरी करके फिर कहीं पैसा खर्चा कर देगा, और वैसा बोलने में इतना मीठा, मतलब आपको मिलेगा तो ऐसा लगेगा नहीं कि इसको कोई प्रॉब्लम है, समझे। आपके सामने आता है तो वो पाँव छुएगा, आशीर्वाद लेगा, जैसा कि एकदम बिल्कुल ओबीडियंट लड़का है, ओबीडियंट बच्चा है। झूठ बोलना तो ऐसा, मतलब पल पल में वो झूठ बोल देगा। बहुत ज़्यादा ये इमोशंस बता सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस, भावना का उद्रेक बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है लोगों में, या बहुत ज़्यादा दुखी भी जल्दी हो जाते हैं। और सुबह से मतलब काम यही है कि मैं लोगों को कैसे तकलीफ दूँ, और लोगों को तकलीफ़ देके उसको मज़ा आता है, और उसको उसमें कुछ गलत लगता नहीं है कि मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ उसको, उसमें कुछ बुरा लगता नहीं उसको, उसको उसमें मज़ा आती है। और तकलीफ़ मतलब यही है कि कुछ ना कुछ नियमों का किसने पालन नहीं किया, ऐसा निकालना कुछ तो भी और कंप्लेंट करते जाना। कोई घर में ज़्यादा, मतलब कहीं बांधकाम चालू है तो ये जाएगा, वहाँ बांधकाम ज़्यादा चालू है तो उसके बारे में महानगर पालिका में कंप्लेंट करेगा कि इनका बांधकाम ज़्यादा है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो जिसने एक्सीडेंट करवाया वो लोगों को पकड़ेगा, तकलीफ देगा कि तुमने एक्सीडेंट करवाया, तुम्हारी मैं कंप्लेंट कर देता हूँ। और बाकी उसको कोई दुख नहीं इस बात का कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बोलता नहीं नहीं ये तो मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, ऐसा बोलेगा। पढ़ाई ज़्यादा करेगा नहीं, कोई ज़्यादा काम धंधा नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। अभी उसके पालक मुझे, मतलब मेरे पास में लेके आएगी, इसका करना क्या। उसके साथ में बैठने के बाद में वो तो बोलता मुझे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके पालक बोलते हैं कि देखो जो भी कुछ है वो हम भुगत रहे हैं, क्योंकि फिर लोग इनके पास में आते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं कि देखो आपके लड़के ने हमको तकलीफ़ दिया। घर में भी झगड़ा करेगा, कुछ ना कुछ घर में झगड़ा करके घर के लोगों ने हकाल देने तक, मतलब ये टाइम आ गया कि वो हकाल देंगे भाई इसको। इसको ज़रूरत है काउंसिलिंग की, उसके माँ बाप को काउंसिलिंग करना, इसको काउंसिलिंग करना, और ये जो घटना वो जो कर रहा है या जो तकलीफ दे रहा है उसका इम्पैक्ट उसको बताने की, और इम्पैक्ट काम पड़ा तो उसको इम्पैक्ट देने की भी।
कि उसका प्रभाव भी क्या हो सकता है, उसके तकलीफ भी उसको क्या हो सकती है, उसका इम्पैक्ट दे देने का, वो यदि कर दिया तो इसमें काफ़ी बदल हो सकता है। बाकी तो ये कोई बीमारी, मतलब DSM-5 जो मतलब इंटरनेशनली वापरे जाता है, इसमें तो उसको बीमारी करके कहा है, एक तरह की मानसिक बीमारी है, मगर बाकी तो उसको कोई दवा नहीं है कि दवाई से वो अच्छा हो सके। इतना ही है कि इसमें शुरू में यदि हम इसको पकड़ सके तो हम इसको आगे चलने में रोक सकते हैं, या फिर एक बार हो गया तो ये जो लोग हैं इनको काफ़ी सारी बड़ी मानसिक बीमारियां हो सकती है। तो इनको हम यहीं पकड़ लिया बीमारी को, उसका काउंसलिंग किया, मानसोपचार, तो वो अच्छे हो सकते हैं। आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको कुछ ना कुछ अंश में ये प्रॉब्लम होगा, तो ये वीडियो आप ज़रूर उनको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम हो सके कि ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है और इसका हल हम निकाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए और व्यसन मुक्त भारत, तो उसमें आपका हाथ हमें ज़रूर लगेगा। थैंक यू वेरी मच।